हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीट ग्रास के ऊपर कि कैसे इसे हम घरों में ग्रो कर सकते हैं, वो भी दो मेथड से। पहला है हमारा सॉइल वाला मेथड और दूसरा है हमारा इसका सॉइललेस मेथड। आज की इस वीडियो में हम वीट ग्रास को दोनों ही मेथड से ग्रो कर देखेंगे और साथ ही साथ मैं आप सभी को बताऊंगा कौन से सीजन में आपको इन्हें ग्रो करना चाहिए और क्या क्या हमें इनकी केयर करना पड़ती है जिससे आप सभी को इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिले। अभी जैसा कि स्क्रीन पर इनके रिजल्ट आप सभी को शो भी हो रहे होंगे, तो अगर आप सभी को भी कुछ ऐसे इनके सक्सेसफुल रिजल्ट चाहिए हो तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। बाकी अगर ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सभी को भी वीट ग्रास को घरों में ग्रो है तो अक्टूबर से जो मार्च तक का समय होता है सबसे बेस्ट होता है वीट ग्रास को घरों में ग्रो करने के लिए। वैसे तो अगर आप चाहें तो वीट ग्रास को साल भर भी ग्रो कर सकते हैं, अगर आप इसे अपने घरों में लगा रहे हैं तो बस आपको इनकी थोड़ी केयर करना पड़ेगी। जो हमारी वीट ग्रास होती है इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं जो की अभी आप सभी को स्क्रीन पर शो भी हो रहे होंगे। तो देखा आपने कितने सारे इनके हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। तो अगर आपने इन्हें आज तक ग्रो नहीं कराया तो बिल्कुल सेम ही मेथड को आप भी फॉलो करिएगा। आप चाहें तो दोनों मेथड से भी इन्हें ग्रो कर सकती है या आप किसी एक मेथड को भी फॉलो करिएगा तो आप सभी को भी इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीट ग्रास ग्रो करने के लिए वीट सिलेक्शन की बात करें तो आप सभी के सामने मैंने गेहूं को प्लेस करा हुआ है। वीट ग्रास गेहूं के दानों से ही ग्रो होती है। अब अगर यहाँ पर हम वीट सिलेक्शन की बात करें तो आपको नॉर्मली ये लोकल मार्केट में मिल जाएंगे, ये इजिली अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले हम इसमें से कुछ दानों को करते हैं कम, क्योंकि जितने आपको वीट ग्रास लगाने उतने ही आप इसके दानों को सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद हम इसमें करेंगे वॉटर को एड। तो यहाँ पर जो हमारे गेहूं के दाने थे उन्हें हमने यहाँ पर कम कर लिया। अब जितने मेरे को यहाँ पर इसके प्लांट्स लगाने हैं उतने ही मैं इसके यहाँ पर वीट यानी कि गेहूं के दानों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इसमें जो हमारा नॉर्मल टैप वाटर होता है उससे हम इसे कर देंगे फिल। आप चाहे टैप वाटर की जगह जो हमारा आरओ का वाटर होता है उसका भी यूज कर सकते हैं, नो इशू। इसे अब हम 12 घंटे के लिए ऐसा ही छोड़ देते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं 12 आवर्स बाद। आफ्टर 12 आवर्स, तो यहाँ पर जो हमने हमारे गेहूं के दानों को वाटर में सोक करा था इन्हें करे हुए 12 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और फाइनली हमारे जो सीड्स हैं गेहूं के वो जर्मिनेशन के लिए रेडी है। अब देखिए ये प्रोसेस हमने इसलिए करा है जिससे इनमें वाटर अच्छी तरीके से सोक हो जाए। जब इनमें वाटर अच्छी तरीके से सोक हो जाता है उसके बाद जो हमारे गेहूं के दाने हैं इनमें से स्प्राउट्स जल्दी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके वाटर को करते हैं रिमूव और इन गेहूं के दानों को नॉर्मल वाटर से 2 से 3 बार अच्छी तरीके से वॉश भी कर लेते हैं। कुछ इसी सेम तरीके से आप सभी को भी इन्हें वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारे गेहूं के दाने थे उन्हें हमने नॉर्मल वाटर से वॉश भी कर लिया है। इसके बाद सबसे पहले देखते हैं इन्हें हम ग्रो करने के लिए इसका पहला मेथड जो कि हमारा सॉइललेस मेथड। तो सॉइललेस मेथड में सबसे पहले आप सभी को कुछ इस टाइप की ट्रे को ले लेना है। अब अगर आप इन्हें देखिए सॉइल वाले मेथड से भी ग्रो कर रहे हो तब भी आपको कुछ इसी टाइप की ट्रे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और एक बात का याद रखना है, ट्रे के बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल्स होना चाहिए जिससे एक्स्ट्रा वाटर निकल सके। इसके बाद जो हमारी जूट यानी की रस्सी की बोरी आती है उसे हमें इसमें प्लेस कर लेना है कट करने के बाद। तो सबसे पहले हमें इसे मॉइस्ट करना पड़ेगा। ये हमारी रस्सी की यानी की जूट की बोरी है, इसी में ही आपको इनके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसे मॉइस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने रस्सी की बोरी को नॉर्मल वाटर से मॉइस्ट भी कर लिया है। चलिए अब जो हमारे गेहूं के सीड्स हैं उन्हें हम लेते हैं और इस पर करते हैं स्प्रिंकल। तो ये हमारे गेहूं के सीड्स यानी कि बीज जिन्हें हमने वाटर के अंदर सोक कर रखा हुआ था 12 घंटे के लिए, सिंपली इन सीड्स को आपको लेना है और डायरेक्टली जो हमारी रस्सी की बोरी है इसके ऊपर कुछ इसी सेम तरीके से स्प्रिंकल कर देना। और एक बात का याद रखना है, इन सीड्स की ओवरलैपिंग भी आप सभी को नहीं करना है, कुछ इसी सेम तरीके से आपको डिस्टेंस पर इन सीड्स को प्लेस करना है, क्योंकि अगर आप इन सीड्स की ओवरलैपिंग कर देंगे तो फिर आपको इनके जो रिजल्ट है वो ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है कि इनमें फंगस भी लग जाए, तो आपको इन सीड्स को कुछ इसी सेम तरीके से डिस्टेंस पर प्लेस करना है। तो ये था इसका पहला मेथड। चलिए अब हम देखते हैं इसका सेकंड मेथड कि कैसे आप वीट ग्रास को सॉइल में ग्रो कर सकते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम सेकंड मेथड से वीट ग्रास को ग्रो करने के लिए उसके पॉट सिलेक्शन की बात करें, तो जिस तरीके से हमने हमारे पहले मेथड में यानी कि सोइलेस वाले मेथड में ट्रे का यूज करा था, उसी सेम तरीके से सेकंड मेथड में भी हमें इसी ट्रे का यूज करना है। बिल्कुल सेमी साइज की ट्रे का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, जिसमें मैंने बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल्स भी कर लिए हैं। अगर आप इन्हें सोइलेस मेथड से भी ग्रो कर रहे हो या सोइल के मेथड से भी ग्रो कर रहे हो, तो एक बात का आपको याद रखना है, बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल होना कंपलसरी है। इसके बाद अगर सोइल मीडिया की बात करें, उसमें आपको यूज करना है 50% नॉर्मल गार्डन सोइल, 30% वन ईयर ओल्ड कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद, और 20% रहेगा इसमें कोकोपीट। इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और जो हमारा पॉटिंग सोइल है यानी कि सोइल मीडिया वीट ग्रास के लिए, वो यहां पर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा पॉटिंग सोइल था वीट ग्रास के लिए, वो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। इसके बाद आप अपनी ट्रे को कर लेंगे पॉटिंग सोइल से फिल कुछ इसी सेम तरीके से। तो यहाँ पर हमने हमारी ट्रे को पॉटिंग सोइल से फिल भी कर लिया है। इसके बाद आपको हल्के हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा से प्रेस भी कर देना है, जिससे इसमें से एयर पॉकेट्स खत्म हो जाएं। क्योंकि अगर एयर पॉकेट्स रह जाएंगे तो जो हमारे वीट ग्रास के सीड्स हैं इनमें फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी सोइल को करते हैं मॉइस्ट। तो यहाँ पर हमने हमारी सोइल को मॉइस्ट भी कर लिया है। इसके बाद जो हमारे गेहूं के दाने हैं, इन्हें हम लेते हैं बिल्कुल सेम ही तरीके से जिस तरीके से हमने हमारे पहले वाले मेथड में सीड्स को स्प्रिंकल करा था, उसी सेम तरीके से सोइल वाले मेथड में भी हमें इन सीड्स को स्प्रिंकल कर देना, और डिस्टेंस पर आपको इन्हें स्प्रिंकल करना है कुछ इसी सेम तरीके से। तो यहाँ पर जो हमारे गेहूं के सीड्स थे, उन्हें हमने सोइल सर्फेस पर स्प्रिंकल भी कर दिया है। तो यहाँ पर जो दोनों ही तरीके थे वीट ग्रास को ग्रो करने के लिए, इसका सोइल वाला मेथड और सोइल लेस मेथड, दोनों ही तरीके मैंने आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर कर दिए हैं। इसके बाद इन ट्रेस को आपको प्लेस कर देना है शेडी एरिया में यानी कि इनडायरेक्ट सनलाइट में कुछ इसी सेम तरीके से, और ऊपर से जो रस्सी की बोरी होती है उससे आपको इन दोनों ही ट्रेस को अच्छी तरीके से कर देना है कवर कुछ इसी सेम तरीके से। अगर आप सभी के पास ये बोरी अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह जो नॉर्मल कपड़ा होता है किसी भी कपड़े की मदद से दोनों ही ट्रेस को कवर कर देना है। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनकी वाटरिंग का रखना है ख्याल। डेली बेसिस पर हम इस बोरी के कवर को हटाकर देखेंगे, और अगर इसकी सोइल मॉइस्ट होगी तो हम इनकी वाटरिंग नहीं करेंगे, और अगर हल्की सी भी हमें ड्राई दिखेगी तो हल्का हमें करना है इनकी वाटरिंग। बस ओवर वाटरिंग भी आपको नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे गेहूं का बीज होता है बहुत ही सॉफ्ट बीज होता है, ये हाल ही गल जाएगा ओवर वाटरिंग की वजह से। तो आपको इनमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए अब हम कुछ दिन का वेट करते हैं और फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं इनके सक्सेसफुल रिजल्ट। ये हमारे कुछ दो दिन बाद के रिजल्ट। चलिए अब जो हमने ऊपर से बोरी का कवर करा था इसे हम रिमूव करते हैं, मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ इनके सक्सेसफुल रिजल्ट। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, जो हमने हमारे दोनों ही मेथड से वीट ग्रास को ग्रो करा था, तो इनके जो दाने हैं वो स्प्राउट यहाँ पर हो चुकी है। ये हमारा इसका सोइल लेस वाला मेथड, और आप देख सकते हैं कितने सक्सेसफुल यहाँ पर हमें इसके रिजल्ट मिले हुए हैं। और इसी के जस्ट बगल में मैंने प्लेस करा था इसका सोइल वाला मेथड, और इसमें भी आप देख सकते हैं कितने ही सक्सेसफुल हमें यहाँ पर इनके रिजल्ट मिले हुए। तो इसके ऊपर से जो हमने बोरी का कवर करा था उसे अब हमें कंप्लीटली कर देना है रिमूव, और इनकी हमें डेली बेसिस पर वाटरिंग करना है स्प्रे बॉटल की मदद से कुछ इसी सेम तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर मैं आप सभी को इनकी वाटरिंग कर बता रहा हूँ, और ओवर वाटरिंग भी आप सभी को नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने इनकी वाटरिंग भी कर दी है, इसी सेम तरीके से आप सभी को भी डेली बेसिस पर स्प्रे बॉटल की मदद से इनकी वाटरिंग करना है। चलिए अब हम कुछ दिन का वेट करते हैं, फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेशनल और इम्पोर्टेंट टिप, जिसे आप फॉलो करेंगे तो आप सभी को भी इनके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
ये हमारे कुछ 5 दिन बाद के रिजल्ट और आप देख सकते हैं हमारे वीट ग्रास की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर कितनी अच्छी चल रही है। हमने इसे 2 तरीकों से लगाया था, एक सॉइल वाला मेथड और दूसरा सॉइल लेस मेथड, और दोनों ही मेथड्स में हमें कितने सक्सेसफुल इनके रिजल्ट मिले हुए हैं। अब जैसा कि अगर आप देखेंगे तो जो हमारी वीट ग्रास है इनकी जो लीव्स है वो येलोइश ही आ रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि अभी हमने इसे शेडी एरिया में प्लेस करा, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी या सनलाइट की रोशनी इन प्लांट्स को नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से इन प्लांट्स में न्यूट्रिशंस की कमी हो रही है। तो इस स्टेज पर हमें क्या करना है, इन दोनों ही ट्रेस को हम ऐसी लोकेशन पर प्लेस कर देंगे जहां इन्हें मॉर्निंग की 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके, इन प्लांट्स के लिए सफिशियंट होती है। और हाँ, ऐसी लोकेशन पर प्लेस करना है जहां इन्हें मॉर्निंग की ही 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके, वो भी 11 बजे के पहले पहले की। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनकी वॉटरिंग का रखना है ख्याल। चलिए अब हम कुछ दिन का वेट और करते हैं और फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ इनके आफ्टर रिजल्ट सनलाइट में प्लेस करने के बाद के। ये हमारे कुछ 6 दिन बाद के रिजल्ट और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे वीट ग्रास की जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी चल रही है। मैंने भी इन ट्रेस को ऐसी लोकेशन पर प्लेस कर दिया था जहाँ इन्हें मॉर्निंग की 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके, इन प्लांट्स के लिए सफिशियंट होती है। क्योंकि अगर आप भी अपने घरों में वीट ग्रास को ग्रो कर रहे हो और इनकी जो लीव्स है येल्लो पड़ना स्टार्ट हो जाए तो आप भी समझ जाइएगा इन प्लांट्स में न्यूट्रिशंस की कमी हो रही है। तो आप सभी को भी इन ट्रेस को ऐसी लोकेशन पर प्लेस कर देना है जहाँ इन्हें मॉर्निंग की 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके, इन प्लांट्स के लिए सफिशिएंट होती है। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनकी डेली बेसिस पर वाटरिंग का रखना है ख्याल। स्प्रे वाटर की मदद से आपको इनकी वाटरिंग करते रहना है कुछ इसी सेम तरीके से। तो यहाँ पर हमने इनकी वाटरिंग भी कर दी है इसी सेम तरीके से, आप सभी को भी इनकी डेली बेसिस पर केयर करना है। चलिए अब मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं इन प्लांट्स के फाइनल रिजल्ट्स। ये हमारे कुछ 10 दिन बाद के रिजल्ट और फाइनली जो हमारी वीट ग्रास है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुकी है। अगर आप भी अपने घरों में वीट ग्रास को ग्रो कर रहे हो, भले ही आप इसे सॉइल वाले मेथड से ग्रो कर रहे हो या सॉइल लेस मेथड से ग्रो कर रहे हो, तो जो हमारी वीट ग्रास होती है नॉर्मली 7 से 14 दिन के अंदर पहली हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है। और अगर हम इनकी हाइट की बात करें, जब इनकी हाइट 6 से 8 इंच तक की हो जाए तो तब भी आप इन्हें हार्वेस्ट कर सकती है। तो चलिए आज हम वीट ग्रास की करते हैं पहली हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग करने के लिए सिंपली आप सभी को सीजर ले लेना है और ये हमारी सॉइल वाली वीट ग्रास जिसे हमने सॉइल में ग्रो कराता है और इसी के बगल में मैंने प्लेस करी हुई है सॉइललेस मेथड वाली वीट ग्रास। तो दोनों की कुछ लीव्स को मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ, कुछ इसी सेम तरीके से आप सभी को भी इन्हें कट कर लेना है। चलिए इनका मैं जूस निकाल कर आप सभी को बताता हूँ। तो यहाँ पर वीट ग्रास के जूस को प्रिपेयर करने के लिए सिंपली आप सभी को, अगर आप 50 से 60 ग्राम वीट ग्रास ले रहे हैं तो आपको इसमें 90 से 100 ml वाटर को ऐड करना है। वाटर आप चाहें तो थोड़ा ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको इसे जार में प्लेस कर देना है, ग्राइंडर जार में, और इसमें आपको वीट ग्रास को प्लेस करने के बाद वाटर को कर देंगे ऐड और इसे हम अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स, और जो हमारा वीट ग्रास का जूस है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर वाटर की बात करें तो जो हमारा नॉर्मल टैप वाटर होता है उसमें भी आप जूस को प्रिपेयर कर सकते हैं। यह सबसे बेस्ट होता है आरओ का पानी, उसी का यहाँ पर यूज मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो वीट ग्रास का हेल्दी जूस था उसे हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है। तो कुछ इसी सेम तरीके से आप भी अपने घरों में वीट ग्रास को ग्रो कर सकते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने इसकी पहली हार्वेस्टिंग कर ली है इसके बाद जो हमारी वीट ग्रास है वो खराब हो गई है, तो ऐसा नहीं है। आप वापस से ऐसी लोकेशन पर प्लेस कर देंगे जहाँ से मॉर्निंग की 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके, और डेली बेसिस पर अगर आप इसकी वाटरिंग करेंगे तो आपको हर 3 से 4 दिनों बाद जो आपकी वीट ग्रास है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी मिलेगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।